Hello students, today's cue card is describe a job you would not like to do in the future. तो mostly future के बारे में बातें होंगी, but इसमें आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वो पसंद नहीं है ये वो. आप ऐसे बोल सकते हो कि I respect that job, but I don't think कि मुझ में वो qualities हैं जो इस job को अच्छी वे से present कर पाएँ, या फिर ये वाली job इतनी डेडिकेशन चाहिए, इतनी रिस्पेक्टेड जॉब है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने एफर्ट्स लगा पाऊँगी जॉब में. तो वैसे आप कोई भी जॉब बोल सकते हो. अगर आप टीचर, डॉक्टर, कुछ भी बोल दो ना, ये भी चलेगा. आप जस्टिफाई कर दो कि मेरे में इतने पेशेंट्स नहीं है इसको समझाना, या फिर मैं ब्लड नहीं देख सकते, ऑपरेशंस करना होता है दूसरों को देख के, मुझे खुद ही बुरा लगता है जो बीमार होते हैं उनको देख के, कि इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसे करके बोल सकते हो. यहाँ पे मैंने बोला है फायरमैन की जॉब के बारे में. देखो, मैंने इसमें बताया कि नाउडेज पीपल इतने मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि एक जॉब पे पूरा टाइम, पूरी लाइफ जॉब करने की बजाय वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स ट्राई करते हैं. तो मुझे नहीं पता कि मैं डिफरेंट जॉब करूँगी फ्यूचर में या नहीं करूँगी, बट एक जॉब है जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती. एक्चुअली मैं हेट नहीं करती, बट इसमें बहुत स्पीड चाहिए दूसरे पीपल को उनकी लाइफ सेव करने के लिए, जो मेरे पास नहीं है. ये जॉब है फायर फाइटर्स की. जो फायरमैन होते हैं ना, उनको एक्टिव होना चाहिए और वो इतने क्विक होने चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आ जाए उनको हैंडल कर पाए अच्छे वे से. ऑन द अदर हैंड, जब कुछ भी बुरा होता है तो मैं क्विकली रिएक्ट नहीं कर पाती. मुझे सिचुएशन को समझने में टाइम लगता है और रिएक्ट करने में टाइम लगता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फायरमैन होते हैं वो अपनी लाइफ को डेंजरस सिचुएशन में डालते हैं, वो भी अननोन लोगों के लिए. बट आई बिलीव उनके लिए कोई स्ट्रेंजर नहीं होता. वो जो भी है वो हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, सबको अपनी फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड मानते हैं. आई रियली फील ये एक रिस्पेक्टेड जॉब है, बट इसमें बहुत सारी स्किल्स चाहिए. रिसेंटली जो मैंने रियल लाइफ से ही लिखा है कि जैसे अमेजन फायर हुई थी, तो कितने, और जो भी ऑस्ट्रेलिया में हुई वो अभी हुई, थोड़े दिन ही हुए हैं, तो कितना सारा नुकसान हुआ ना वाइल्ड लाइफ को. तो मैंने कुछ वीडियोस देखी कैसे फायर फाइटर्स वो अपने बेस्ट दे रहे थे सिचुएशन को, इश्यू को सॉल्व करने के लिए, चाहे उनके हाथ में इतना कुछ नहीं था, बिकॉज इतना सारा फायर थी तो वो रेन के कारण ही ठीक हो सकती थी. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जहाँ पे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे फायरमैन की वीडियोस, जहाँ पे अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. तो ऐसे ये रियल में भी हुआ है, तो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आपने भी देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे. Really hats off कि इतना डेडिकेशन से काम करते हैं वो, बट आई रियली डोंट थिंक कि मेरे में वो इतना करेज है. मैं नहीं कर सकती ये सारा कुछ काम, तो इसलिए ये चैलेंजिंग जॉब है जो मैं नहीं करना चाहती, ये फ्यूचर में मेरे से नहीं होगी. बट मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और जो भी पीपल हैं इस जॉब से कनेक्टेड है सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. कि स्टूडेंट, सैम्पल से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, मैंने वीडियोज़ ना रात को अपलोड करती हूँ, लाइक 2-3 बजे, तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना मिलता हो. और अब मैं इसलिए स्लो बोलती हूँ कि रात को अपलोड कर रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. मुझे एटलीस्ट कमेंट करके तो बता दिया करो ना कि हाँ कोई वॉइस से प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे वो बता दिया करो. ओके, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर कर दूँगी. राइटिंग टास्क की PDF ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी. और अगर आपको ये सारे सैम्पल्स का, जितने भी ऐप जनरेट हुए एप्पल क्यू कार्ड्स हैं, तो चाहिए स्पीड्स का PDF चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर दो. मैंने पहले ही प्रिपेयर किया है वीडियो, मैं डेली एक अपलोड कर रही हूँ. और आप इसको गूगल असिस्टेंट से स्कैन करके भी सीधा डायरेक्टली पहुँच सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे. ओके, सैम्पल से देखें. नाउडेज पीपल आर मल्टी टैलेंटेड एंड हैव मैनी स्किल्स. इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू वन जॉब थ्रू आउट होल लाइफ, पीपल चेंज देयर जॉब्स आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. I can't say whether I would try different jobs in my future or not. However, there is one job which I never want to do. Actually, I don't hate that job, but it requires speed in saving the life of others, which I don't have. It is the job of firefighters. Firemen need to be active and quick enough to handle drastic situations. On the other hand, when something bad happens, it takes time for me to understand the situation and react.
Apart from this, firemen also risk their life by putting themselves into dangerous situations, that too for unknown people. However, I believe that no one is stranger for them, and they try to save victims' lives, considering them as their family members or friends. I really feel that it is really respected job, but requires great skills. Recently, during Amazon fire and the fire which occurred in Australia, it caused so much destruction to wildlife. I saw some videos of the firefighters giving their best to solve the issue. Moreover, many videos related to such incidents were circulated on different social networking sites, where firemen were risking their lives to help others. Really, hats off to them for their dedication towards their job. I really don't have that much courage. That's why I don't want to do this challenging job in the future. But I really respect this job and people associated with it. Okay, students, thanks for watching.